नॉर्थ इंडिया के लोगों को साउथ इंडिया से लड़वाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में आग लगवाएंगे, महाराष्ट्र में जाके कहेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को यहां से निकालो, गुजरात में उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश के लोगों को मार के भगाएंगे, किसानों को कहेंगे कि हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, युवाओं से कहेंगे तुम्हें हम रोजगार नहीं दे सकते, और जहां भी जाते हैं नफरत फैलाते हैं। और मैं आपकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, सालों पहले राजा अशोक को अहिंसा के रास्ते पे आप लोगों ने डाला था, आप लोगों ने हिंदुस्तान को एक नए तरीके के सोचने का तरीका दिया, शांति का तरीका, भाईचारा, प्यार की आपने बात की, और यह आपके खून के अंदर है, इस प्रदेश के हर व्यक्ति के खून के अंदर है, आपसे बात करने पर पता लग जाता है आप में कोमलता है, प्यार की भावना है, आप जब बात करते हो आप इज्जत से बात करते हो, यह आपकी हिस्ट्री है। अब देखिए, आपके पास सब कुछ, जल, जमीन, जंगल, नेचुरल रिसोर्सेस, पैसे की आपके पास कोई कमी नहीं। जैसे मैंने छत्तीसगढ़ में कहा था, ओडिशा गरीब प्रदेश नहीं है, मगर नहीं ताली मत बजाइए अभी, ओडिशा गरीब प्रदेश नहीं है मगर ओडिशा की जनता गरीब है, क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य, आपका पैसा, आपके मिनरल्स, आपका पानी, आपकी बिजली आपसे छीनकर 15-20 सबसे बड़े उद्योगपतियों की दी जाती है। आप दिन भर काम करो, 24 घंटा आप काम करो, अपना खून पसीना दो, मगर आपके प्रदेश का पैसा, आपका धन आपको नहीं दिया जाता है, आपको नहीं मिलता है। किसान 4 बजे सुबह उठता है, अपने परिवार के साथ दिन भर काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नवीन पटनायक जी ने पिछले 15 साल में कितने इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स ओडिशा में चालू किए हैं, मुझे बता दो। क्या किसान बिना पानी के काम कर सकता है? क्या किसान बिना सही बीज के काम कर सकता है? क्या किसान अपने अनाज के लिए सही दाम के बिना काम कर सकता है? जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं कहते हैं मैं किसानों की मदद करूंगा, और उनके पार्टनर और ओडिशा के जूनियर पार्टनर नवीन पटनायक दिन भर किसान की बात करेंगे, अलग अलग वायदे, एक के बाद एक। मोदी जी ने कहा सही दाम दिलवाऊंगा, हर प्रदेश में जाके कहा सही दाम दिलवाऊंगा, यहां बीजेडी की सरकार सालों से है, हर बार कोई ना कोई झूठ बोला जाता है। आप ही देखिए, मैं आपको यहां झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं आपको 15 लाख रुपए वाला वायदा नहीं करूंगा कि हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा, ना
मैं नहीं करूंगा, मुझसे आप गुस्सा हो जाओ, मैं नहीं करने वाला। मैं आपको झूठ नहीं बोलने आया हूं, क्योंकि मैं उड़ीसा की और आपकी इज्जत करता हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, मैंने वहां पे कहा, देखिए किसान के सामने आज बहुत बड़ी समस्या है, किसान को रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। किसान ने इस देश को बनाया है, दिन भर काम करता है, और किसान की मदद करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। बीजेपी के नेताओं ने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने अपने भाषण में वहां कहा, एक के बाद एक कहा, छत्तीसगढ़ में कहा, मध्य प्रदेश में कहा, राजस्थान में कहा, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आप 10 तक गिनना, 10 दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और 10 दिन के अंदर इन तीन प्रदेशों में किसान का कर्जा माफ हो जाएगा। और मैं खुशी से कहता हूं, छत्तीसगढ़ के किसान ने, मध्य प्रदेश, राजस्थान के किसान ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया, वोट दिया। भाइयों और बहनों, हमारे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर तीनों प्रदेशों ने किसानों का कर्जा माफ किया है। और आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकारें किसानों को अनाज के लिए, चावल के लिए सही दाम दे रही हैं। छत्तीसगढ़ में 2,500 रुपए धान की एमएसपी कांग्रेस पार्टी ने लागू कर दी है। अब आप यह मत सोचो कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ के किसान को कोई तोहफा दिया, गिफ्ट दिया, फ्री गिफ्ट दिया, ना। गलत है। हमने यह काम क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, किसान अपना खून पसीना देश को देता है। दूसरी बात, दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने 15 उद्योगपतियों का 3.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, और इधर धड़ाधड़ आपके चीफ मिनिस्टर 15-20 उद्योगपतियों को तोहफा देते रहते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं। तो हमारा सिर्फ एक कहना है, हमें हिंदुस्तान के किसान के लिए न्याय चाहिए और कुछ नहीं। कोई फ्री गिफ्ट की जरूरत नहीं है, न्याय की जरूरत है। और इसीलिए हमने छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, पंजाब में, जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां किसान को हमने न्याय देने का काम किया। यह आपका हक है, यह कोई आपको तोहफा नहीं दिया जा रहा है। और मैं उड़ीसा की जनता को, उड़ीसा के किसानों को कहना चाहता हूं, आप घबराइए मत। 2-3 महीने हैं, और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लीजिए। जैसे ही यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, उसके बाद आप 10 तक गिनना, 11 नहीं, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दिन के अंदर उड़ीसा के किसानों का कर्जा माफ करके कांग्रेस पार्टी दे देगी। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।